आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में लगाया जनता दरबार। दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी फरियाद, पीड़ितों को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 सैन्य अधिकारियों को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह का भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया समापन। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नई शिक्षा नीति का मतलब देश को नंबर एक देश है बनाना। 40 साल के व्यक्ति ने 4 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अभियुक्त को लिया हिरासत में, मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है कठोर वैधानिक कार्रवाई। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के सामाजिक संवाद का कार्यक्रम। कहा, सभी जाति के विकास के लिए प्रदेश सरकार कर रही है कार्य, होगा सबका विकास। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड-19 टीकाकरण संबंधित बैठक। टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव एवं निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब ने खनन विभाग के कार्यों की समीक्षा। मोरंग और बालू के दामों पर नियंत्रण लगाने के दिए निर्देश। एक बार फिर दिखा सीएम योगी का बाल प्रेम। पुरस्कार वितरण में छात्रा का नाम मिस होने के बाद खुद अपने हाथों से सूची में नाम देख कर स्वयं किया पुरस्कृत। छात्रा का किया उत्साह वर्धन। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अधिकारियों के शोक में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। महापौर, नगर आयुक्त सहित पार्षदों, कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजलि, उनके किए गए कार्यों को किया याद। 4 दिसंबर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह का भारत सरकार के शिक्षा मंत्री तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया समापन। संस्थानों में 4 दिसंबर से चल रहे प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को सील्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 324 केंद्रों पर 32,924 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,596 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 25,328 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, जन जागरूकता अभियान चलाकर किया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा। और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से महाप्रबंधक को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को 20 दिसंबर तक पूरा करने की मांग।